आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4, राइट फाइव पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें क्या बोल रहा है, राइट फाइव पेयर ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी। अगर मैं ए को बी से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। मुझे ऐसे नंबर ढूंढने ए और बी जो हम उसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाए, -3। वन सच पेयर इज, जैसे एक पेयर उन्होंने दे रखा, ठीक है, 6 एंड -2। बिकॉज अगर हम 6 को माइनस, देखो एक पेयर उन्होंने दे रखा 6 एंड -2, मीन ए ये है बी, ये हमारा ये बी, और हमारा आंसर आना चाहिए -3। मैं इसको अगर मैं 6 को -2 से डिवाइड करूँ तो हमारा आंसर -3 आ रहा है, क्योंकि ये माइनस में, तो -3। ऐसे हमें कितने 5 पेयर होल करने हैं, ठीक है। एक पेयर तो इन्होंने दे रखा, हमें 5 पेयर होल निकालने, जो आंसर हमें कितना चाहिए, -3। हमें कोई भी नंबर ऐसे डिवाइड करना है कि हमें आंसर कितना आ जाए, -3। तो अगर हम करेंगे तो हमारे पास देखो, अगर मैं 9 और -3 से, भाई मैं 9 को अगर 3 से, अगर -3 को, अगर मैं 9 को 3 से -3 से 9 को डिवाइड करूंगा तो 3 3 9 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो हमारा -3 आ जाएगा। तो एक पेयर तो ये हो गया। एक पेयर आप कैसे बना सकते हैं, 9 और डिवाइडेड बाई 3, भाई अब -9 आ गए और डिवाइडेड बाई 3, तो इस भी आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। एक हम कर सकते हैं 12 माइनस 4। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो अगेन मेरा आंसर माइनस में आएगा। ऐसे में -4 डिवाइडेड बाई 4 कर सकता हूँ, फिर मेरा आंसर -3 आ जाएगा। ऐसे हम कई कर सकते हैं, 15 माइनस 5 कर सकते हैं तो आंसर फिर -3 आ जाएगा, ठीक है। या 18 माइनस 6 कर सकते हैं, हमारा आंसर फिर -3 आ जाएगा। 21 डिवाइडेड बाई -7, फिर मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो मुझे यही निकालना है कि मेरा आंसर कितना आ जाए, -3 में आ जाए। आप कैसे भी करो लेकिन आपका आंसर कितना आ जाए डिवाइड करने के बाद, -3। यही ये कह रहा कि a डिवाइडेड बाय इक्वल टू -3 आना चाहिए, ठीक है। तो इस ढंग से हम इनको कई फेयर हम निकाल सकते हैं। तो थैंक यू।